कुरुक्षेत्र, वहाँ से मिलके सब्सक्राइबर से अपने, और अभी हमारी गाड़ी के जो है ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं, पीपन भैया थक चुके हैं, ये देखो। और ये बता रहे हैं कि दोनों साइड में ध्यान रखना, बातें कम करनी, ध्यान ज़्यादा रखना ड्राइविंग पे, आराम से चलाते रहो। जय भोलेनाथ, जय माता दी का नाम लेके, और पहुँचते हैं अपने घर। तो वही देखते देखते थोड़ी ही देर बाद चलते, मेरी सीट भी चेंज हो चुकी है और मैं आ गई सामने वाली सीट पे, आगे भी लूँ फ्रंट सीट। और हवा बढ़िया लग रही है यहाँ, आगे बैठने वाले को तो फायदा है, कहीं कहीं ऐसी की हवा खावे उसमें तो बीच में वहाँ से ऊपर ऐसा सूरज आ रहा है ना, तो गर्मी लग रही है सामने आएगी बिल्कुल। तो चलो भाई धीरे धीरे राम का नाम ले गए चलते रहो, फिर तो हमें कुछ खुआ देंगे बीच में खाने की जगह नहीं है, तो हमें कुछ खुआ देंगे फिर बीच में। ये मेरठ वाला रोड पकड़ना, हमें नीचे उतार लिया, पीपी उधर को जा रही, देखो वो सारी और हमारी भी उधर को जा गई, ठीक है रास्ते ध्यान कर लो, ठीक है गूगल तो घुमाओ जाए बाजी फेरी। ये है भाई मेरठ, वही यमुना नदी के किनारे पहुंच गए हम लोग, ये देखो पुल पे, और धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। ये ट्रकों में तो रेता गिन रहा है, इसकी धूल उड़ रही है, पानी कम है अभी यमुना नदी में। जय हो यमुना भैया की। फिर तो सह चले पानी, ये सब डूब जाए, ये खेत खाद से है सब बराबर करते हैं। अब तो हाईवे पे कुछ चला के कॉन्फिडेंस आया नहीं है। तू बता, तू बगल में जैसे बैठी मेरे पे तो आ ही रहा। नहीं मैं तो ठीक हूँ, पहले पीपन मुन्नू लग रहा था, बब्बी तो डर रही थी क्या क्या बैठती हुई, तो आज वो बटाना नहीं चाहिए, बात यह है जब भी तो दोनों जागते रहेंगे बात करते रहेंगे। नहीं सही चलाई गाड़ी तो, मुझे सही लग रहा, मुझे विश्वास है चलने में विश्वास है। अरे भाई पीछे बैठ जा, गुरु चलने की कहानी बहुत खराब हो रही है। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के नजदीक, पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं, सारा बुढ़ाना हट के काट दिया सारा रास्ता, आगे जाना पड़ता फिर वापसी आना पड़ता। बोतल पानी लाए थे वो अभी नहीं पी हमने तीन जनों ने, बच्चे कर रहे इंतजार। चलो आ रहे अभी, बच्चों को पता था कि एक जने की एंट्री होगी अंदर, मैंने कहा देख मेरे हाथ पे मोर लगी हुई है, दोनों की होगी थी। हाँ दोनों की होगी थी, मैंने कह दिया था फैमिली चैनल है, मगर हम एक दूसरे के बिना नहीं बढ़ते। देखो हाँ मैंने कहा हम हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के बिना व्लॉग नहीं बनाते। नंदनी जा सकती है, कहती मेरा नाम माय नेम इज नंदनी और मैं LKG रोज में। भाई बच्चे कर रहे थे काफी देर से इंतजार, और ये आगे सारे के सारे यहीं पे, और जब भी आओ अपना किचन गार्डन जरूर निहार के जाओ, सारे के सारे यहीं घूम रहे। मैं इन्होंने कह रही मैं पालक तोड़ लेते आज, ये कल को काटेंगे दो तीन टमाटर। हमारे घर के इन बच्चों की इतनी आदत खराब होगी ये देखो, और सारे के सारे कुछ इस तरीके से सो गए। हम कमरे में, वहाँ हम चले जाए कुने में जहाँ सार्थक है, एक में यहाँ लौट जा मैं इसके पास लेट जाऊँ। तो जी नंदिनी के पास लौटते हैं इसके पापा, सारे के सारे एडजस्ट हो जा। और अब बजे हैं सुबह के, ये देखो 7:30 बजने वाले हैं, और इन्हें अभी भी नींद आ रही। अब इन्हें ज्ञान जब होगा, जब ये स्कूल में जा करेंगे, जब ये टाइम से जगा करेंगे, और फिर ये शोर मचा करेंगे, तो क्या करेंगे इनको टाइम हो गया, बेटा जल्दी जल्दी से उठने की आदत डाल दो, 16 दिन निकल के छुट्टी के आपके, ठीक है क्या? तुम बिल्कुल हद कर रहे, इस टाइम उठ के ना लेना चाहिए तुम्हें। क्या हो गया? तो आज फादर्स डे है, और अभी मैं जा रही हूँ घर में अपने पापा जी को सरप्राइज करने के लिए फादर्स डे का, तो चलिए गाइस चलते हैं। फादर्स डे चाचा जी, फादर्स डे, थैंक यू बेटा। हम तो अपने काम में इतने व्यस्त है, हमें नहीं कुछ भी याद रखता। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बजे, और वही गर्मी इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम से ही, और आज चिंकी आई थी मेरे साथ में, क्योंकि आज है फादर्स डे, और सीधा ही घेर में अपने पापा जी को विश करने के लिए।
और पिताजी बैठे हैं इसी, पिताजी हमारे फादर हैं, तो भाई हम भी हैप्पी फादर्स डे कह दें, पिताजी का आशीर्वाद ले लें। और ये देखो ये भी अपना आशीर्वाद ले रहे पिताजी बस। और भाई कल ट्रैवल करा, चलान कटवा गए, तो भाई तड़की तड़क नुहा धुआ के तैयार कर दी ले जाने के नाम की, पुलिस वोलिस मार दी, ये देखो चमका दी भाई बिल्कुल। सुबह सवेरे से जो है मेहनत में लगे हुए हैं दोनों जने। देखो पायदान भी साफ कर दिएगा, पायदान तो साफ नहीं करे। तो सुबह सुबह शाम को किचन गार्डन का व्यू देखने लायक होता है। और आज ये पालक काट लेंगे, शाम के टाइम इसकी बनाएंगे पालक पनीर, तो इसी लायक है ये, मतलब इतना हाँ है। और इधर हमारी भिंडी भी ठीक सी होगी, नहीं ये टमाटर के पौधे तो मुझे लगा है ख़त्म हो लिए, तो एक दो ही होगा इस क्यारी में, तो चलो एक दो भी हो जा हमारे लिए बड़ी गमीनत की बात है। पता नहीं क्या रोग सा गया सब्जियों में, ये देखो ये टिड्डी सी खावे हैं, ये बड़ी बारीक सी जो है ये खावे हैं ये पत्तियाँ। बैंगन तो ठीक हो गए, बैंगन का वो काट दिया मैंने, जो ऊपर कीड़ा आ रहा था ना वो काट दिया था। मम्मी जी हाँ थोड़ी ले लो, ये ऐसा हो रहा जो कर बैलून हो गया, गोल गोल हो गया, ये गोल वाला जो लोकी है ये बैलून जैसा हो रहा जो कर बैलून की एक तरफ तो हवा से निकल जाना और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जा, ये इस तरीके का हो गया। अब गर्मी आ गई है वो वाली जिसमें पत्ते जल जाते हैं, सुबह से ही देखो कितनी गर्मी होने लगी। हैप्पी फादर्स डे पापा जी। थैंक यू चिंकी, बक्की जनता नहीं उठी क्या? नहीं उन्हें तो याद भी नहीं है, मन नहीं दिलाया याद। अच्छा। आकाश फादर्स डे है। अच्छा। हाँ जी, और किसी को याद नहीं था चलो ठीक है, तुझे तो याद है। हाँ जी, और आपके लिए गिफ्ट भी है। हाँ जी हाँ, शाम को ठीक है। तो यहाँ पर बननी है सुबह की चाय, बच्चे जब जंगेंगे जब उनके लिए बन जाएगी, उससे पहले मुझे घेर में लेके जानी है चाय। पीपन भैया और गुड्डू के पापा धो रहे हैं सुबह से गाड़ी, वे चले गए थे ऐसे बिना चाय पिए, फिर गाड़ी का कप चाय लिया, कुछ बिस्किट वगैरह लिया हमारे लिए, तो चाय लेकर चलते हैं, अभी इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो मम्मी यहाँ पे अभी तोड़ रही थी लौकी और तोरी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई थी, ये देखो। चलो भाई चलते हैं। और कल मैंने और चाचा जी ने इस पूरे खेत में पानी दिया था। हाँ जी काट लो। एक लौकी पीपन भैया को देवेंगे आज, लो तोरी भी देवेंगे, तोरी उधर उधर है इससे भी मोटी। हाँ। उधर उस वाले बेल पे ओहो, ये तो बहुत मोटी है ना। ये हमारी एक तोरी हो चुकी है, अभी हम दूसरी तोड़ने के लिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही पीछे है, और वो बहुत ही मोटी हो रही है। और दो तोरी हो रहा है इसके साइड पास में। हाँ। एक हो रहा है, ये दिख नहीं रही है। तोड़ लो वो, लाओ स्टूल, स्टूल ना उठा के तुझे चढ़ाऊंगी। तो भाई आज मुझे चिंकी को यहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा, और चिंकी का ही ध्यान पड़ा इन पर, ये पत्तों में छुप रही है और बड़ी बड़ी हो रही चौखी एक यही है इस पत्ते। हाँ अरे नु तो बेल कट जाएगी, ला मैं हटाऊंगा, हटा मैं काटूंगी, हटा हटिए बेल की मिल की बस हटेगी, हटा तेरे पर कटने की नहीं, काट दे डंटल पे तो काटिए कभी बेल काट दे, अरे तन्ना तो सारी बेल ही हला दी जब कटक रहा तो बेल नहीं हलती तो। हाँ देखो कितना बड़ा साइज हो रहा, एक हो रहा है दिखे रही पत्ते के धोरे जहाँ रात है, इसका डंटा ऊपर है देख, ऊपर ध्यान देख, ये परे ना गिर जा मुझे नहीं गिरने की, पर है तू आराम से काट दे, नीचे ही आओगी अभी। कट गई। और भी है क्या? चिंकी वा तोरी पकी जाती जो तेरा ध्यान ना पड़ता, पत्तों में दिखता नहीं, चश्मा लगा के आ करूंगी जब तो सब्जी तोड़ना आ करूंगी है ना। अरे बहुत मुश्किल से टूटी, मुझे डर हो रहा था पीछे ना गिर जा, पीछे ना गिर जा, मुड़ी पड़ी थी बड़ी हो रही थी बढ़िया। हाँ, ना एक बार ऐसा और देखा नु, चल सांझ को देखेंगे। हाँ। लोकी तो नहीं आ रही इनमें, पानी आ गया इस बोतल में? हाँ जी है, लाए चक्कू यही रखू। अभी चाय पी रही चिंकी, तीन कप लाई थी मैं, और यहाँ थे कई सारे जने, पिताजी को भी दे दी, और इसमें मुझे लगा अभी थोड़ी बहुत बच रही होगी, और चिंकी को ना इन कुकीज के जितने बादाम थे मैं सारे तारे हो गए दे दिए मैंने, मगर खा ले तेरे खस्सी जुकाम न चला हो रहा, देख करके दिखाओगी अभी। गाइस अभी हमने घर में सबको पिला दिया चाय और खुद भी पी ली है, अभी चलते हैं घर पे। और ये देखो आरुष भी आ गया, सो तो साइकिल ही चला रहा क्या? आ जा ना, ना है ये
कपड़े लगा रखे साइकिल के पीछे वो जो स्टैंड हुआ है उस पर, और ना नावे रोज ऐसे ही घेर में, और सिमी भी आल लग रही है अभी। चलो अब तो मैं आ गई, अब क्या करोगे घेर में? चलो थोड़ी देर में आवेंगे, आ जा नाश्ता करिए। चल आरुषि भी आ गई, एंजल भी आ गई, नंदू भी आ गई, देखो आल लग रहे भाई। कितने बजे उठते तुम, क्या टाइम हो रहा? अब जा तो देख लो। मैं तो उठ के घेर में चली गई थी, बहुत मजा आया था। आज फादर्स डे है, जैसे सिम्मी चलो फुप्पा जी को कॉल करेंगे। चलो अरे कुछ खा लेता ना, खा लिया अब खा लिया। अरे तू क्या खा गया? तू बिना खाए अटकार ले रहा है, है भाई है? पानी पी गया, कुछ खा ले तू भी, पानी पिया के काम चलेगा। अभी एक खिड़की जो है वो आने लग रही, हाँ हाथ नहीं लगा करते, तिरछे हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। नाना ना निचली भी टूट रहा, अरे वो तो तिरछा जम गया निचला तो भाई है नी। हाँ जीभ लगाया भाई, तिरछा जम गया तो। सीधा कर दे। सीधा कैसा करूँ, डॉक्टर करेगा सीधा तो, 15 साल की उम्र के बाद में। देख नीचे के सामने के बढ़िया लिख रहे दोनों दांत, और वो तीसरे नंबर का तिरछा होगा जिस पर आरुषि के हो रहे। तीन रोटी खाने लायक है पर एक रोटी में थक जाए। अच्छा आरुषि कमजोर लग रही और ये पहलवान लग रहा। हाँ ये तो पहलवान है, ठीक लग रही फिर भी। हाँ ये पहलवान है अपने आप में। आरुषि बेटा चलो ना लो ये बाल कंघी करवाना, आज बालों को वॉश मत करना ठीक है। यही नहा ले भाई तू, क्यों भाई नहाओगे? ये वही नहाएंगे घेर में ही बेटा, उसका गर्म पानी हो रहा होगा टैंक का। नहीं हम तो देर में नहाते रहते रोज रोज। चलो इसमें रख लो अपने कपड़े थैले में, चलो नया हो जाओ। गर्मी में भाई जिसे ज्यादा गर्मी लग रही हो वो मांड पी लियो, उसकी गर्मी दूर हो जाएगी। वो भी गरम गरम और वो भी नहीं, वाकई पता नहीं गिरने की मुझे भी आ रही चक्कर आ रहे। दो मैं चल रहा हूं, कुछ दवाई ना, मैं सोच रही मगर कभी दवाई की वजह से हो रहा हो। और सांझ की कहीं ऐसा रहे तो मैंने सुबह भी तो ली भी नहीं नाश्ता करके। अनु कहते इसके पापा की तो 1200 रुपये की दवाई है ले लिए, कभी खराब कर दी सारी। कह 1200 रुपये की दवाई है तेरी, बढ़ाए ना कैप्सूल उसने, पर तो होने तरह में आराम है, पर रात को बेचन नहीं हुई। हाँ पता रात को क्या हो गया, नू हो गया घबराहट की बहुत ज़्यादा, पड़ के भी आँख नीचे जाना घूम रही सोचते सोचते भी ऐसी हो रहा, पता क्या हो रहा, नसों की या नशे की पता नहीं चल रहा। कर दिया सारा पी दिया, जाग तो भी दे दिया। गुड्डू को पसंद है और आरुषि को पसंद है, माँ को पसंद है, प्रीत मैंने तो पीती हूँ मुझे बढ़िया लगता है। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे और धूप की वजह से आग भी नहीं खुल रही, इतनी ज़्यादा धूप है। अभी ऊपर का काम निपटा के आई थी, यहाँ देखा मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए। धो तो दिए मगर सारे कपड़े भिगो लाए, तो आज मेरे सारे कपड़े गिले हो गए पाइप से। मेरे मम्मी के कपड़े धोते धोते जो पहन रखे ना वे भी कपड़े गिले हो गए, ऐसे हो गए नहीं छोड़ने। गर्मी तो इतनी हो रही, इतनी हो रही बहुत, पूछो ना रिकॉर्ड तोड़। सो के उठते ही पसीने आने लगे, ऐसा लगे बस पता नहीं कितनी मेहनत करी, कितना काम कर लिया सो के उठते ही, और पूरा दिन एसी वाले कमरे में से निकलने का मन ही नहीं करता। फिर अंदर जाके बैठ जाऊंगी और फिर बाहर नहीं निकलने की, इतनी गर्मी हो रही। बुआ जी इधर कपड़े सुखा रही, चाची जी ने चावल बना दिए। क्या बोल रहे? ठीक है अभी तब तक पंखे में काम चलाऊंगी। तो पंखे की सही कह रहे मम्मी, और ऊपर तो पता नहीं दम सा घुट रहा आज।